Like and share this video on YouTube Class 4th English. Hello everyone, today we will start chapter 8 of 4th class. The chapter name is Silver Anchors. Today we will discuss questions of this lesson. Firstly, we will discuss multiple choice questions, after that, we will discuss read and answer.

तो जो टॉआई सेलर था उसने डॉल को बाहर निकाला था तो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है ए डॉल नेक्स्ट वट वॉज इनसाइड द क्लॉथ दैट द गर्ल गेव टू चंदाज मदर उस क्लॉथ के अंदर क्या था जो लड़की ने चंदा की मम्मी को दिया ए ऑप्शन द डॉल बी एन एंक्ट शी मनी डी ज्वेलरी द आंसर विल बी एन एंक्लेट जो पायल थी वो थी थर्ड क्वेश्चन वट नेम डिड चंद मदर चूज़ फॉर द डॉल चंदा की मम्मी ने गुड़िया के लिए कौन सा नाम क्या नाम था वो चुना फर्स्ट ऑप्शन ए चांदनी बी चंदा सी चंद्रा डी चंदा तो चांदनी था वो नाम चुना था तो ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर चांदनी नाउ वी विल रिपीट अगेन ए क्वेश्चन वट डिड द टॉय सेलर टेक आउट फ्रॉम द बास्केट जो खिलौने बेचने वाला था उसने टोकरी से क्या निकाला तो द टॉय सेलर टेक आउट फ्रॉम द बास्केट ए डॉल सी आंसर है डॉल नेक्स्ट वट वॉज इनसाइड द क्लॉथ दैट द गर्ल गेव टू चंदाज मदर चंदा की जो गर्ल ने चंदा की मम्मी को जो कपड़ा दिया था उसके अंदर क्या था द क्लॉथ दैट द गर्ल गेट टू चंदाज मदर वाज एंड एंक्लेट एंकलेट थी उसके अंदर वट नेम डिज चंदाज मदर चूज फॉर द डॉल तो चांदनी चांदनी नेम था वो डॉल के लिए चंदा की मम्मी ने चुना फोर्थ क्वेश्चन वाई डू यू थिंक द टॉय सेलर टुक द एंकलेट तुम ये क्यों सोचते हो कि जो टॉय सेलर था उसने एंकलेट ली ए ऑप्शन ही लाइक द एंकलेट व एंकलेट को पसंद करता था बी ऑप्शन ही वाज पुअर एंड कुड नोट बाई वन फॉर हिज डॉटर वो गरीब था और अपनी बेटी के लिए खरीद नहीं सकता था सी ही वांटेड टू गिफ्ट इट टू हिज डॉटर वो अपनी बेटी को उपहार देना चाहता था यू मे चूज वन और मोर देन वन ऑप्शन आप एक ऑप्शन भी चुन सकते हो और मोर देन वन ऑप्शन भी चुन सकते हो तो ही लाइक द एंकलेट ए ही वाज पुअर एंड कुड नोट बाई वन फॉर हिज डॉटर तो बी ऑप्शन वो गरीब था और अपनी बेटी के लिए नहीं खरीद सकता था ही वॉन्टेड टू गिफ्ट टू हिज बरा डॉटर और अपनी डॉटर को वो उपहार देना चाहता था नाउ वी विल डिस्कस रीड एंड आंशर फर्स्ट क्वेश्चन हु वाज सिंगिंग ट्वाइस ब्यूटिफुल ट्वाइस ये कौन गा रहा था खिलौने सुंदर खिलौने द टाइस एल वाज सिंगिंग ट्वाइस ब्यूटीफुल ट्वाइस जो खिलौने बेचने वाला था वो बोल रहा था खिलौने सुंदर खिलौने तो हु वाज सिंगिंग ट्वाइस ब्यूटीफुल ट्वाइस कौन ये बोल रहा था खिलौने सुंदर खिलौने द टायस इल वा सिंगिंग टाइज ब्यूटिफुल टॉयज जो खिलौने बेचने वाला था वो बोल रहा था खिलौने सुंदर खिलौने सेकेंड क्वेश्चन वट वाज चंदा, तो वा सिस्टर, नेम। चंदा सिस्टर, सिस्टर नेम चंदा की बहन का नाम क्या था तो मुन्नी व चंदा सिस्टर नेम मुन्नी चंदा की सिस्टर का नाम मुन्नी था वट वाज चंदा सिस्टर नेम चंदा की बहन का नाम क्या था मुन्नी वा चंदा सिस्टर नेम मुन्नी मुन्नी नाम था चंदा की सिस्टर का नेम था वो मुन्नी था वाही कुड द ट्वाइसेलर सेलर नोट बाई एंकलेट्स फॉर हिज डॉटर जो टॉय सेलर था वो अपनी बेटी के लिए पायल क्यों नहीं खरीद सकता था द ट्वाइसेलर सेलर कुड नोट बाय एंकलेट्स फॉर हिज डॉटर बिकॉज ही वॉज़ पुअर क्योंकि वो गरीब बिकॉज यहाँ पे आगे आएगा बिकॉज ही वाज पुअर क्योंकि वो गरीब था तो ये आएगा द टुआई सेलर कुड नॉट बाय एंगलेस फॉर इज डॉटर बिकॉज ही वाज पुअर ही वाज पुअर वट डिट चंदा सी एज ही सेट बिसाइड द विंडो जब वो खिड़की के पास बैठी थी तो चंदा ने क्या देखा चंदा सा ए मैन ए गर्ल वॉकिंग टुआर्ड हर हाउस चंदा ने एक आदमी और एक लड़की को घर की ओर आते हुए देखा अपने घर की ओर आते हुए देखा तो वट डिट चंदा सी एज़ सी सेट डिसाइड द विंडो चंदा ने क्या देखा जब वो खिड़की के पास बैठी हुई थी चंदा साई मैन चंदा ने एक आदमी को देखा एंड एक गर्ल और एक लड़की को देखा वॉकिंग टूआर्स हर हाउस जो उसके घर की ओर आ रहे थे नव विपिनपन्स द मीनिंग ऑफ द स्पेस हाउस घर टुअर्स की ओर वॉकिंग चलते हुए गर्ल लड़की मैन आदमी शाह देखा विंडो खिड़की सेट बैठी बिसाइड के पास बाई खरीदनाट पायल डोटर बेटी सेलर खिलौना बेचने वाला एंक्लेट स्पायल डोटर बेटी सेलर खिलौना बेचने वाला बॉय खरीदना सिस्टर बहन नेम नाम सिंगिंग गाना ब्यूटीफुल सुंदर ट्वाइस खिलौने टॉय सेलर खिलौने बेचने वाला ब्यूटीफुल सुंदर ट्वाइस खिलौने सिंगिंग गाना नाउ वी विल डिस्कस थिंक एंड आंसर ऑफ दिस लेसन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस वाहि डिड चंदाज मदर सोल्ड द गर्ल्स चंदा की ने लड़कियों को क्यों डाँटा चंदाज मदर शोल्ड द गर्ल्स चंदा की मम्मी ने लड़कियों को डांटा बिकॉज क्योंकि सी वांटेड हर गर्ल्स टू बी केयरफुल विद स्ट्रेंजर्स वह चाहती थी कि उसकी लड़कियां हैं वो अजनबियों से सावधान रहें वाहि डिड चंदाज मदर शोल्ड द गर्ल्स चंदा की मम्मी ने लड़कियों को क्यों डांटा चंदाज मदर शोल्डेड द गर्ल्स बिकॉज सी वांटेड हर गर्ल्स टू बी केयरफुल विद स्ट्रेंजर्स चंदा की मम्मी ने लड़कियों को डांटा क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी लड़कियां हैं वो अजनबियों से सावधान रहें केयरफुल सावधान स्ट्रेंजर अजनबियों गर्ल्स लड़कियों शोल्ड डाटा मदर माता शोल्ड डाटना गर्ल्स लड़कियां वट हु डिड यू थिंक वाज ओनेस्ट द टॉय सेलर और हैज़ डाटर तुम ये क्या सोचते हो कि ईमानदार कौन था ट्वाय सेलर या उसकी बेटी द टाई सेलर द टाई सेलर सेलर्स डॉटर वाज उट बिकॉज सी रिफ्यूज टू अशेप द स्तोलन एक्ट्स जो ट्वाय सेलर की जो बेटी थी वो ईमानदार थी क्योंकि उसने चुराई हुई पायलों को लेने से स्वीकार करने मतलब लेना मतलब इनकार कर दिया लेने से इनकार कर दिया इसलिए जो टॉय सेलर था उसकी लड़की थी वो ईमानदार थी यू हु डू यू थिंक वाज ओनेस्ट द टाय सेलर और स्टार्टर तुम किसको सोच ईमानदार किसको सोचते हो ट्वाइसेलर सेलर को या उसकी बेटी को द टाय सेलर्स डोटिर वाज ओनेस्ट जो टॉय सेलर था उसकी जो डोटर टॉय सेलर्स डोटिर वाज ओनेस्ट बिकॉज क्योंकि ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट उसने जो चुराई हुई पायल थी उनको लेने से इनकार कर दिया इसलिए जो ट्वाय सेलर था उसकी जो बेटी थी वो ऑनेस्ट थी थर्ड क्वेश्चन वाई डू यू थिंक द ट्वाय सेलर हैड कवर्ड हिज फेस वैन ही केम विद हिज डॉटर्स केम विद हिज डॉटर डॉटर आएगा यहाँ पे वाई डू यू थिंक तुम ये क्यों सोचते हो द टुआई सेलर कवर्ड हिज फेस उसने अपने चेहरे को ढक लिया वैन ही केम विद हिज डॉटर जब वह अपनी बेटी के साथ आया द टुआई सेलर हैज़ कवर्ड हिज फेस टॉय सेलर ने अपने चेहरे को ढका बिकॉज क्योंकि ही वॉज अफ्रेड दैट पीपल वुड रिकोगनाइज हिम उसे भय था कि लोग उसको पहचान लेंगे Why do you think थिंक toy seller had covered his face when he came with his daughter? तुम ये क्यों सोचते हो कि जो toy seller था उसने अपने जो था। the had face था उसको ढका था और जब वह अपनी बेटी के साथ आया द टॉय सेलर हैड कवर्ड his फेस जो खिलौने बेचने वाला था उसने अपने face को ढका था बिकॉज क्योंकि ही वॉज़ अ फ्रेड दैट वह भी था that key, people would कि दैट की पीपल वुड recognize हिम कि लोग उसे पहचान लेंगे विच वर्ड डिस्क्राइब चांदनी इज बेस्ट कौन से शब्द चांदनी को अच्छे से दर्शाते हैं वर्णन करते हैं गिव रीजन टू support योर आंसर अपने आंसर को सपोर्ट करने के कारण बताएं ओनेस्ट वर्ड डिस्क्राइब चांदनी बेस्ट जो ईमानदार वर्ड है वो चांदनी को अच्छे से डिस्क्राइब करता है बिकॉज क्योंकि सी रिटर्न द एंकलेट्स विच हर फादर स्टोलन क्योंकि उसने उन पायल उन पाइल को लुटा दिया था जो उसके पापा ने चुराई थी तो विच वर्ड्स डिस्क्राइब चांदनी बेस्ट कौन सा वर्ड चांदनी को अच्छे से डिस्क्राइब करता है गिव रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए कारण दे ओनेस्ट वर्ड डिस्क्राइब चांदनी बेस्ट जो ईमानदार वर्ड है वो चांदनी को अच्छे से डिस्क्राइब करता है बिकॉज क्योंकि सी रिटर्न द एंक्र्स उसने जो पायल थी वो वापस लौटा दी विच हर फादर स्टोलन जो उसके पापा ने चुराई थी वट वुड यू हैव डन विद द एंक्लैर्स तुम क्या करोगे पायलों के साथ क्या करोगे इफ़ यू वर इन चांदनीस प्लेस यदि तुम चांदनी के स्थान पे हो थे यदि आप चांदनी के स्थान पे होते तो आप उन पायल का क्या करते वुड यू हैव एक्टेड ऑनेस्टली तुम उसके ऊपर ईमानदारी से एक्ट काम करते वाहे या वाहे नोट करते या नहीं करते If I were in Chandni's place, यदि मैं चांदनी के स्थान पर होता या होती I would have also motivated my father. तो मैं भी अपने पिता को प्रेरित करती to return anklets, anklets को वापस लौटाने के लिए मैं भी चांदनी की तरह ही अपने फादर को motivate करती What would you have done with the anklets? तुम पायलों के क्या साथ क्या करते इफ़ यू वर इन चाँदनी प्लेस यदि चांदनी के स्थान पे होते वुड यू हैव एक्टिड ओरनेस्टली तुम उस पर ईमानदारी के साथ काम करते या नहीं करते वाहे या वाहे नोट इफ़ आई वर इन चाँदनीज प्लेस यदि मैं चांदनी के स्थान पर होता या होती आई वुड हैव आल्सो मोटिवेटेड माई फादर टू रिटर्न एंक्लेट्स तो मैं भी अपने पिता को पायल लौटाने के लिए प्रेरित करती रिटर्न लौटाना एंक्लेट्स पायल प्ले स्थान मोटिवेटेड प्रेरित करना फादर पिता एंक्लेट्स पायल एक्टिड प्रतिक्रिया करना ईमानदारी से फादर पिता स्ट्रोलन चुराना एंक्लेट पायल, रिटर्न लौटाना डिस्क्राइब वर्णन करना स्पोर्ट सहारा देना आंसवर जवाब बेस्ट अच्छा रिजन्स कारण रिकॉग्नाइज पहचानना अफ्रेड भयभीत होना पीपल लॉग टॉय सेलर खिलौने बेचने वाला कवर ढकना अफ्रेड भयभीत होना डॉटर बेटी डॉटर आएगा यहाँ पे कवर ढकना थिंक सोचना टॉय सेलर खिलौने बेचने वाला एंक्लेट स्पायर रिफ्यूज इंकार करना एक्सेप्ट स्वीकार करना डॉटर बेटी थिंक सोचना ओनेस्ट ईमानदार स्टोलन चुराई हुई